जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास जो कि आज की क्लास है आयु संबंधी क्लास जो कि मैंने पहले भी आपके लिए है और इस क्लास को अब मैंने आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इस क्लास में जो है क्या रहेगा वो आपको याद रखना है, इसलिए आपने क्लास नंबर 1 देखनी है पहले। क्या देखनी? क्लास नंबर 1। तो क्लास नंबर 2 हमारी स्टार्ट हुई है। ध्यान से इस क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन लगाइएगा साथ साथ में जी, सभी ध्यान से क्वेश्चन को साथ साथ में लगाइएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए इसको कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु जो है वो मोहित की आयु की दुगनी थी और 10 वर्ष बाद जो है मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करें। करिए क्वेश्चन को स्टार्ट, करिए सभी ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल है, कहानी की तरह पढ़ना है। दस वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 साल की हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा भैया, 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष बाद जो है, ठीक है, मोहित की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, 40 साल की हो जाएगी। यानी कि के बाद, जैसे मेरी उम्र अगर अभी 30 है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 40 साल। तो मैं इस वक्त वर्तमान में कितना हूं, वर्तमान में मैं हुआ 30 साल का, यानी कि प्रेजेंट एज बात कर रहा हूं, प्रेजेंटली मैं कितने का हुआ, 30 साल का हुआ। अब ये कहते हैं 10 वर्ष पूर्व, यानी कि मैं 10 साल पहले, यानी कि अभी मैं 30 साल का हूं, 10 साल पहले मैं, तो 10 साल पहले यानी कि जब मैं 30 का था तो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरे प्रेजेंट से पीछे की बात, यानी कि जब मैं 20 साल का था तो वे मेरी दुगनी आयु का था, कौन, रोहित, तो वे मेरी दुगनी आयु का था। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं 20 साल का था तो वो मेरी दुगनी आयु का था, दुगनी आयु का मतलब यानी कि अगर मैं 20 का था तो वो कितने का था, 40 का था, पर कब था, 10 साल पहले। इस वक्त कितना है, तो प्लस 10 उसका भी कर लीजिए तो हो गया टोटल 50 साल। आंसर कितना होगा, 50 साल, कितने का होगा, 50 साल का। एक बार फिर से मैं इसको क्वेश्चन को फिर से क्लियर कर देता हूं, आपको ध्यान से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन ये कहता है कि 10 साल पहले जो है, जैसे कि मैं इस वक्त हूं, 10 साल पहले जो है वो रोहित जो है वो मोहित का डबल था, ठीक है जी, पहले था, अब मुझे इस वक्त की एज पता नहीं है। अब बोला 10 वर्ष बाद, मतलब मैं 10 वर्ष बाद मैं क्या हो जाऊंगा, वो 40 साल का हो जाऊंगा, यानी कि 10 वर्ष बाद जो है वो मैं कितने का हो जाऊंगा, 40 साल का, यानी कि मैं प्रेजेंटली जो हूं वो कितने साल का हूं, 30 साल का हूं। ये कह रहे हैं कि 10 साल बाद हो जाऊंगा ना 40 साल का, अभी तो मैं कितने का हूं, 30 साल का हूं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इस वक्त कितने का हूं, 30 साल का हूं। तो 10 वर्ष पहले, क्योंकि स्टेटमेंट फिर से वही बोल रही है, 10 वर्ष पहले यानी कि इस वक्त मैं 30 का हूं, तो 10 वर्ष पहले की, पीछे की बात कर रहे हैं, तो 10 वर्ष पहले यानी कि उस वक्त मैं कितने का हो गया, 20 साल का, क्योंकि 10 कम कर देंगे है ना 30 में से, तब मैं 20 साल का था तो रमेश जो था, सॉरी रोहित जो था वो मेरी डबल आयु का था, यानी कि वो 40 का हुआ, 2 से गुणा होगा ना तो ये 40 का हुआ, तो इसका मतलब वो उस वक्त 40 का था तो इस वक्त कितना हुआ, 10 साल उसका भी प्लस हो जाएगा क्योंकि वो प्रेजेंट में आना है, ये तो पहले का है, तो वो कितने का था, 50 साल का था, तो ये इसका हल रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ट्राई करिए, ए और बी की वर्तमान आयु की दुगनी है और 8 साल पहले ए बी से 4 गुना था,
तो 8 वर्ष बाद कितने गुनी आयु हो जाएगी? 8 ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, यानी ए जो वो डबल है बी से, ठीक है? तो यानी कि बी अगर आपका एक्स हुआ तो ए क्या हो गया? 2x। ये तो याद हो ही गया। 8 साल पहले, ध्यान से देखिए आप सभी क्वेश्चन, 8 साल पहले की बात आ रही है कि वो उससे क्या होगा, 4 गुनी की आयु का था। कितने का था? 4 गुनी आयु का। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है, ठीक है? यानी कि एक आ गया 2x और एक हो गया x, ठीक है? अब इन्होंने क्या बोला, 8 वर्ष पहले, पीछे की बात कर रहे हैं, तो इसलिए -8 और -8। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है? इसमें क्या बोला है, ए जो है वो बी से क्या है, 4 गुना है, तो इसलिए बी को क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, ठीक है जी? ए बी से 4 गुना, तो बी 4 गुना हुआ तो इक्वल हुआ। तो इसको सॉल्व करिए, 2x-8 = 4x - 32 - 8 + 32 = 4x - 2x। कितना हो जाएगा, 2x और 32 में से 8 गए तो 24। क्लियर है, ठीक है? तो कितने आ गए x की वैल्यू, 12 आ गई। कितनी आ गई, 12। यानी कि b हो गया 12 साल का, ये हो गया 24 साल का। अब इन्होंने बोला 8 साल बाद, तो इसमें +8 और +8 दोनों में आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया 32 साल का और ये हो गया 20 साल का। और आपको कौन सा निकालना था, ए और बी पूछा है, बी पूछा है, और हमारा बी क्या आया बच्चा, 20। क्लियर है ना सबको, ये है क्वेश्चंस करने का तरीका। क्लियर है जी सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पिता अपने पुत्र से क्या कहता है, सुनिए। जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की दुगनी थी, आज मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की, तुम्हारी मां की उम्र की का योग जो है वो ढूंढा, यानी 58 ईयर है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो मां की उम्र कितनी है? बहुत ही सिंपल का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घुमाया है पर होने वाला फ्यू सेकंड्स में। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग का दही बनाता है भैया, सभी ट्राई करिएगा, यही बनेगा नहीं तो, सभी ट्राई करिएगा, दही बनेगा नहीं तो कोशिश करिए। एक पिता अपने पुत्र से क्या कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की दुगनी थी। अगर मतलब मैं तू एक्स था, यानी कि पुत्र एक्स था, तो पिता क्या हो जाएगा, 2x, तो ही डबल होगा। आज मेरी उम्र जो है वो तुम्हारी मां की उम्र का, यानी कि आज मेरी उम्र और तुम्हारी मां की उम्र का योग करें तो 58 है, 58 है। तो पुत्र इस वक्त क्या है, 10 साल का है, तो मां की उम्र बताएं, सभी आंसर कमेंट करें। आंसर कमेंट करें, आंसर कमेंट करें, अभी कोशिश करिए जी, नेहा जी कोशिश करिए, बहुत बढ़िया है, कोशिश कर रहे हैं पर गलत है, अभी ट्राई करिए। नहीं जी, मैं ही बता देता तो इसका आंसर कैसे होगा। पुत्र की जो है कि जन्म के समय पिता की जो उम्र है, ठीक है, वो इक्वल थी, पिता की उम्र जो थी पुत्र के समय वो क्या थी, डबल थी पुत्र के समय, है ना जी, पिता की थी ना भैया, डबल थी। तो पुत्र इस वक्त क्या है,
दस साल का, यानी कि उस समय कितने साल का होगा, 20 साल का, कितने का होगा, 20 वर्ष का होगा। ठीक है जी, तो पिता की उम्र निकालनी है, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या कहा है, 10 वर्ष का हो गया है, ठीक है, तो अब पिता की जो वर्तमान आयु है वो कैसे निकालेंगे, ये तो पुत्र है, ठीक है, तो पिता कितना हो गया, 10 साल का जमा जाएंगे तो टोटल पिता की उम्र कितनी होगी, 30 साल, कितनी हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी जी। ठीक है जी, अब पिता और माता, पिता प्लस माता की जो उम्र है वो 58 साल है, 58 है, तो पिता कितने का है, 30 का, तो माता बराबर है 58, 30 उस साइड जाएंगे तो माता बराबर है 58 माइनस 30 कितना आ गया जी, 28, कितना आएगा जी, 28, तो माँ की उम्र कितनी होगी जी वर्तमान, 28 होगी। आई होप कि थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है, मैं फिर से क्लियर करता हूं, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। एक पिता अपने पुत्र से क्या कह रहा है, जब तुम पैदा हुए थे तब उस समय मैं जो हूं तुम्हारे वर्तमान जो इस वक्त एज है, ठीक है, उसका डबल हूं। मतलब पिता अपने पुत्र से समझा रहा है कि बच्चे मैं इस वक्त जो हूं वो जब तू पैदा हुआ था उस वक्त की बात है ये, ठीक है, जब तू पैदा हुआ था मैं उस वक्त की बात सुना रहा हूं कि उस वक्त में तेरी उम्र का डबल था। बोला ठीक है, मगर जब उस वो बोलता है कि मगर तेरी माँ और मेरी उम्र को अगर योग किया जाए वो जो है वो 58 यानी 58 ईयर बनता है, मगर पुत्र जो है वो वर्तमान जो है वो 10 साल का है, इसका मतलब जब वो पैदा हुआ था और वो इस वक्त 10 साल का है तो 10 साल बाद हुआ ना वो पिता के, मतलब यानी कि पैदा होने के बाद उसका यानी कि 10 साल का हो गया पुत्र, तो 10 साल बाद की बात सुना रहा है, तो पहले वो यानी कि पीछे की बात करते हैं हम, तो वो अपने पुत्र को का क्या है, डबल है, इसलिए 2 × 10 किया, क्योंकि वो 10 साल है, मगर वो हुआ कब का हुआ, जब उसका पुत्र 10 साल का था, तो पिता क्या हो जाएगा, 10 साल पिता में प्लस भी होंगे, ठीक है जी, पिता क्या हो जाएगा, 30 साल का, कितना हो जाएगा जी, 30 साल का। यही मेन फंडा है जो समझने वाला है, बार बार मैं बोल रहा हूं यही फंडा है बेटा समझने वाला, पुत्र कितने का है जी, 10 साल का वर्तमान में, ठीक है जी, तो वर्तमान में है तो यानी कि वो उस वक्त यानी कि बच्चे की उम्र पिता जो है वो कितना होगा, होगा 20 साल का, और प्रेजेंट में कितने का होगा, तो प्रेजेंट में लाने के लिए मैंने 10 साल प्लस कर दिए हैं। बोलो समझ आया नहीं आया, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर 10 क्यों प्लस कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट में लाने के लिए, ये तो तब हुआ जब वो 10 साल का था या जब पैदा हुआ था तब डबल हुआ था तो 20 साल का था, ठीक है जी, पिता मतलब पिता की बात हो रही है, ठीक है, तो अब ये है यानी कि 30 साल का, तो पिता और माता की आयु जो इतनी है, पिता की डाल दी तो ये माता की भी निकल गई। आई होप कि आपको सबको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। अगला सवाल, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना इतना है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है, बहुत ही सिंपल सवाल, टोटल अनुपात कर लो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन हो, टोटल अनुपात कितना है, 6, 4, 10, 5, 15, तो 15x/3, 3 क्यों आया, एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज कितने व्यक्तियों की है, 3 व्यक्तियों की है, जो कि किसके बराबर है, 25 के बराबर है, ठीक है जी, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25, 3 × 3 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इन्होंने रेशियो किसकी पूछी हुई है या वैल्यू किसकी पूछी हुई है, सबसे बड़े की, और बड़ा तो दिख रहा है ना आंखों से ही, 6 से करेंगे तो कितने की आएगी, 30 साल, कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 30 साल। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, डरने का नहीं है, बस करना है, छोटा पूछा होता तो हमने इससे कर लेते, तो 20 साल,
बड़ा भी निकल रहा है, छोटा भी निकल रहा है, कुछ भी नहीं करना है आपने, बस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन वर्ष पहले ए बी सी की आयु का जो औसत आयु है वो 27 साल थी, पांच वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी, तो ए की वर्तमान आयु बतानी है। सिंपल है, थोड़ा सा टिपिकल भी बनेगा। जी कोशिश करें, जी कोशिश करें। तो हमें समाप्त, तीनों की जो औसत है, ये तीनों की औसत वो कितनी है, 27 है। तो टोटल औसत कितनी होगी, 27 गुणा 3 कितनी होगी, 81 हो जाएगी टोटल। ठीक है जी, अब आगे देखिए, तीन वर्ष पहले थी ये 81, तो वर्तमान कितनी हुई, तो वर्तमान के लिए लेंगे 3 3 6 3 9 कितना हो गया, 90, ये वर्तमान निकल गया। बोलो इतना समझ आया कि नहीं आया, वर्तमान तक क्लियर है सबको। ठीक है जी, तीनों की एज में चलेंगे ना, तीनों की प्लस होंगे, 3 3 साल सबके आएंगे, एक ही का थोड़ी आएगा कि एक का 3 डालिए दोनों के नहीं डाले, डालेंगे तो तीनों के ही आएंगे। क्लियर है इतना सबको, ठीक है। अब आगे पढ़िए, 5 साल पहले की बात है, ठीक है, बी और सी की औसत आयु जो है वो 20 साल है, सिर्फ किसकी है, बी और सी की, यानी कि दो बंदों की, कितनी थी 20, यानी कि टोटल कितनी होगी बच्चा, 40। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या करना है, इसमें तो 5 साल पहले दिए हैं, तो अब कितने बार 5 जमा करना है, दो बार, क्योंकि दो बंदे हैं तो दो बार, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10, तो टोटल कितनी होगी, 50। ये है बी प्लस सी की, है ना, ये किसकी है, बी और सी की, और ये किसकी है जी, ये तीनों की है, ए प्लस बी प्लस सी। हो गया क्वेश्चन ठा करके आंसर। अब क्या है, यानी कि आपको ए की निकालनी, तो बी और सी में से ये लेस कर दो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 90 है और बी और सी की वैल्यू 50 है, ठीक है, तो ए रह गया ना। बोलो समझ आया कि नहीं आया, वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको समझ आ जाए, तभी करना। क्वेश्चन कैसे हैं ये जरूर बताना, क्वेश्चन इजी लगे टफ लगे ये भी बताना, और आपका बेस कितना बना ये भी बताना। क्लियर है सबको, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बताएं पिता की वर्तमान आयु बताएं, बहुत ही सिंपल सवाल है। सभी ट्राई करिएगा फिर ही मैं बताऊंगा।
समय समाप्त। मैं आपको बता देता हूं कि पिता को एक्स मान लीजिए, पुत्र को वाई मान लीजिए, ठीक है। क्या बोलता है? तीन गुने से तीन वर्ष अधिक है। कौन? पुत्र की आयु, यानी कि एक्स जो है वो पुत्र यानी कि वाई है, वो तीन गुना है और उससे तीन ज्यादा है। एक ये याद रख लो, ये स्टेटमेंट हो गई, ठीक है जी। और दूसरा बोला है तीन वर्ष बाद, यानी कि पिता अगर एक्स है और पुत्र वाई है, ठीक है, तीन वर्ष बाद बोला है, तो इसलिए प्लस थ्री दोनों में आएगा। पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से दस वर्ष अधिक है। क्या लिखा है? दुगने से दस वर्ष अधिक है, यानी कि पुत्र जो है वो दुगना है, ठीक है, और उससे ये पिता जो है वो दस वर्ष साल और ज्यादा है, यानी कि अधिक है, ठीक है। तो क्या आएगा? x प्लस थ्री इज इक्वल टू टू वाई प्लस सिक्स प्लस टेन। तो कितना आ जाएगा? x प्लस थ्री इज इक्वल टू टू वाई प्लस सिक्सटी। तो x माइनस टू वाई सिक्सटीन माइनस थ्री, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू थर्टीन। एक्स की वैल्यू आपके पास है, इसमें पुट कर दीजिए, फिर देखिए आप, थ्री वाई प्लस थ्री माइनस टू वाई इक्वल टू थर्टीन, ठीक है जी। कितना आ गया? वाई इज इक्वल टू थर्टीन माइनस थ्री, ये वाला थ्री साइड गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? टेन। और पुत्र कितने साल का आ गया? दस साल का। कितने का आ गया जी? दस साल का। अब पिता की वैल्यू निकालनी है, ये लीजिए यहां पर एक्स में पुट कर दीजिए इसको यहां पे, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई की वैल्यू टेन प्लस थ्री, कितने हो गए? दस तीन तीस और तीन तैतीस। तो पिता कितने साल का हो गया जी? तैतीस साल का हो गया। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है जी। इस प्रकार से होने थे ये हमारे सवाल। क्लियर है सबको? आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है जी। ये थी आज की क्लास जो कि थी आयु से संबंधित प्रश्न। तो बने रहो हमारे साथ इसी चैनल पे, और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा अच्छे से अच्छे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।